के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है। आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। विचार नियम के सात सूत्र, द सेवन लॉज ऑफ थॉट। जागृति संदेश के इस भाग में सुनते हैं तीसरा विचार सूत्र। हमारे अंदर प्रकट होने वाले विचार अन्य कुछ नहीं, दरअसल हमारे द्वारा कुदरत को दिए गए आदेश हैं। इन्हीं आदेशों के अनुसार हमारे जीवन में चीजें प्रकट होती हैं। आश्चर्य हुआ ना? इसलिए हमें तीसरा विचार सूत्र सदा ध्यान में रखना चाहिए। अब सुनते हैं विचार सूत्र तीन। विचार नियम का तीसरा सूत्र कहता है, उस बात पर ध्यान दो जो आप चाहते हो जीवन में हो, न कि उस बात पर ध्यान दें जो आप नहीं चाहते हो। ये न हो वह न हो, इस पर ध्यान न दें। जो बात आप अपने जीवन में चाहते हो उस पर ध्यान दें। खुद से सवाल पूछें, मैं जीवन में क्या चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता हूँ, उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं बीमार नहीं होना चाहता, ये कहने की बजाय आप कहेंगे मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। इस रचनात्मक सिद्धांत को और गहराई से जाने। तीसरे सूत्र में जैसे आपने सुना, उस पर ध्यान मत दो जो आपको नहीं चाहिए, उस पर ध्यान दो जो आपको चाहिए। कि मुझे गरीब नहीं होना है, ये गलत सेंटेंस है। मुझे समृद्धि चाहिए। आप ये मत कहो कि मुझे कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। लोग बातचीत में बोलते रहते ना, मेरे को कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। नहीं, मुझे सुलझन का आनंद चाहिए। तो जहां जहां पर भी ऐसी पंक्तियां आप कह रहे हो जो नहीं चाहिए उस पर आप दोहराते हो, वहां आपको तुरंत खुद को सजग करना है। तो आप देखोगे कि अनजाने में जो हम गलत चीज़ें ला रहे हैं जीवन में, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरा बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, मेरा बच्चा घर से निकल ना जाए, वो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, धीरे धीरे वही चीज़ें उनके जीवन में दिखाई देने लगती है। तुरंत खुद को पकड़ो, क्या ना हो जाए मत बोलो, क्या हो जाए वो बताओ। बच्चा घर छोड़कर भागने जाए, ये मत कहो। हम प्रेम आनंद मौन के साथ साथ रहें, ये प्रार्थना सही प्रार्थना है। और ये लोगों से गलती होती है और बड़े बड़े विद्वानों से होती है। ऐसा मत समझना कि ये तो अभी हम समझ गए तो आसान है। बड़े बड़े विद्वानों से ही गलती होती है। वो डबल प्रार्थना कर डालते हैं कई बार, और ऐसी प्रार्थना कर डालते हैं जिससे जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका उल्टा असर आता है। तो जीवन में लोगों को उल्टा असर आता है, वो नास्तिक बन जाते हैं, बोलते हमें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है। मगर वो जानते ही नहीं है कि उनकी क्या गलती हो रही थी। इसलिए ये सूत्र समझना आवश्यक है। तीसरे विचार सूत्र में ये बात सामने आएगी कि जीवन में कोई भी घटना संयोग से या अचानक नहीं होती। कैसे, ये समझते हैं एक उदाहरण द्वारा। कुदरत को बताना है कैचवर्ड। कैचवर्ड क्या है? कैच में क और च याद रखना। क और च का अर्थ है क्या चाहिए, क्या चाहिए वो बताओ, क्या नहीं चाहिए मत बताओ। इस उदाहरण से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक सेठ जी है जिसको डर रहता है, इतना मैंने दौलत, इतनी दौलत कमाई है, घर में भी इतनी दौलत रखी है, कहीं चोरी ना हो जाए। ये चोरी न हो, उसका जाप क्या है, ये खजाना चोरी न हो। अब ये सेठ जी के विचार। अब एक चोर है, उसके मन में विचार आया है, छोटी छोटी चोरियां तो बहुत की, अब एक बड़ी चोरी करनी चाहिए। और सेठ जी कह रहे हैं चोरी नहीं होनी चाहिए। सेठ जी का बेटा है, उसने कुछ
चीजें जमा की है अपने कमरे में, अच्छी अच्छी चीजें नई नई लेकर आया है, अलग अलग जगहों पर जाता है ना, और वो खुश है, ये चीजें हमेशा मेरे साथ रहनी चाहिए। वो कोई नायाब चीजें लेकर आया होता है एग्जीबिशन से, म्यूजियम से, ये मेरी दौलत है, ये मेरे साथ रहनी चाहिए। सेठ जी कहता चोरी नहीं होनी चाहिए, और चोर कह रहा है कि बड़ी चोरी करनी चाहिए। फिर अब ये सभी के विचारों से क्या सीन तैयार होने वाली है। वो चोर उस मोहल्ले से गुजर रहा है, उन सोसाइटीज से गुजर रहा है, उन बंगलों के वहां से गुजर रहा है, इतने बंगले हैं, इतने दौलत वाले लोग हैं उधर, मगर उसकी नजर उसी सेठ जी के बंगले पर टिकती है, ये आसान लगता है। वो चोर उसी बंगले में जाता है, चोरी करता है, और सेठ जी की दौलत चोरी हो गई, उसके बेटे की एक भी चीज को नहीं उठाया, सेठ जी की चीजें लेकर गया। और एक इंस्पेक्टर है जो सोचता है कि छोटे छोटे चोर बहुत पकड़े हैं, कोई बड़ा चोर पकड़ना चाहिए, उसको केस मिलता है। और सेठानी है, कहती बहुत दिन में मैके नहीं गई हूं, मुझे मैके जाना है। अब ये घटना हो गई, अब वो सेठानी बोलती तुम्हारा सब निपटा लो पुलिस का चक्कर वगैरह में, तब तक जाकर आती हूँ मैके से। वो उधर चली, उसकी इच्छा पूरी हो गई, बेटे की चीज़ें बच गई, सेठ जी की चोरी हो गई, चोर की इच्छा पूरी हुई, बड़ी चोरी करने का, ताकि चोरों में मेरा नाम हो, पकड़े गए चलेगा मगर चोरों में तो मेरा नाम हो, दबदबा हो। और इंस्पेक्टर की इच्छा है कि बड़ा चोर पकड़ूँ, सबकी इच्छाएँ पूरी हो गई। कुदरत कैसे क्रिएट करती है, ये आश्चर्य है। लोगों को लगता है मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कैसे विचारों के साथ जो नहीं चाहिए बोल रहा है उसके भी साथ कुदरत कैसे काम करती है, जो चाहिए बोल रहा है उसके साथ भी कुदरत कैसे काम कर रही है। तो हम अनजाने में कुदरत को गलत ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो आज से ही प्रण कर लो क्या चाहिए, कैच वर्ड, क्योंकि उसी से ही निर्माण होता है। लोग कैसे आकर्षित होते, लड़का लड़की कैसे आते हैं एक दूसरे के जीवन में, बॉस और कर्मचारी कैसे आते हैं, सास और बहू कैसे आते हैं, उन्होंने अनजाने में कैसी बहू चाहिए और कैसी बहू नहीं चाहिए, कैसा बॉस चाहिए कैसा बॉस नहीं चाहिए, इस तरह के विचार कर करके लोग मिलते हैं जीवन में। और क्यों मिलते, क्या सीखना था, ये इंसान नहीं जानता, इसलिए बहुत दुखी रहता है। माँ देखती है अपनी बेटी है ना, बच्चे होते हैं तो बच्चों में तो सब तरह के बच्चे होते हैं, बुद्धू बच्चे होते बाद में होशियार हो जाते, तो माँ कहती है बेटी को तू बहुत बुद्धू है, तुम्हें एक स्मार्ट लड़का मिलना चाहिए तो ही तुम्हारी गृहस्थी अच्छी चलेगी। अब वो बेटी बचपन से सुनती है माँ से, और उसके मन में क्या विचार चलते, मुझे एक स्मार्ट लड़का चाहिए, मुझे एक स्मार्ट लड़का चाहिए। और एक लड़का है जो सोचता है कि कहीं बुद्धू लड़की ना मिल जाए, मैं तो इतना स्मार्ट हूँ। कैसे शादियाँ होती है, ये सब बहुत मज़ेदार बातें हैं। आज ये टॉपिक नहीं है, आज टॉपिक है विचार नियम क्रांति क्या है, क्या नहीं चाहिए मत बोलो। विश्व में सारे लोगों की प्रार्थनाएं पूरी हो रही हैं और वो जुड़ते हैं आपस में, मगर जैसे ही जागृति आए तब से तो विचार पॉजिटिव करना शुरू कर दो, तब से क्या चाहिए पर फोकस डालना शुरू कर दो। अब तक मालूम नहीं था, इसलिए अनजाने में कई बातें हमने की, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए हम बोलते रहते हैं, मगर कुदरत को बहुत क्लियरली बताना जरूरी है। हमने समझा कि जिस नकारात्मक चीज को हम टोकते हैं वो टिकेगी, अपनी सोच सकारात्मक रखें ताकि सकारात्मक चीजें मिलने में और आसानी हो। सुनी हुई समझ पर मनन करते हुए खुद से सवाल पूछें कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, विश्वास और खुशी से कुदरत को ये बताएंगे। इस विचार सूत्र को एक सवाल जवाब द्वारा अधिक गहराई से जानें। सवाल, अतीत में हमसे जो नकारात्मक विचार हुए उनके लिए हम आज क्या कर सकते हैं। कुछ तीर निकल चुके कमान से, यानी कुछ विचार हम कर चुके हैं, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए डायरेक्ट कुछ नहीं करना है,
जब निकल रहा था तब कैंसिल 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 कह देंगे, मगर जो पुराने जा चुके हैं, तीर निकल चुके कमान से, उसके लिए क्या करना है, आज मुझे क्या चाहिए। उस वक्त अज्ञान था, कुछ अलग ऑर्डर दिए थे, मेरे जीवन में ऐसा हो वैसा हो, मगर अब जो चाहिए उस पर आप काम करना शुरू कर दो। करने योग्य जो स्टेप है वही करनी है। दूध की बोतल गिर गई तो अब करने योग्य स्टेप कदम कांच के टुकड़े उठाना शुरू करो, ये कदम है। तो आप उस पर काम शुरू करोगे तो जब कुछ गलत ऑर्डर्स गए हैं, गलत बातें गई है जीवन में, तो नया ऑर्डर क्या देना शुरू कर देंगे, क्या चाहिए उस पर। कुछ गलत लोग आ चुके हैं जीवन में जिनकी वजह से परेशानी है, सास आ गई, बहू आ गई, पति आया, पत्नी आई, पड़ोसी आया, बॉस आया, जो भी ऐसे लोग आ गए जो अज्ञान में हमने वैसे ऑर्डर दे दिए। अज्ञान में करते ना लोग, टीवी सीरियल देखते हैं और फिर लड़की देख रही है तो वो कहेगी मेरी सास मुझे ऐसे बोलेगी ना, मैं तो उसको मुंह भी बताने वाली हूं। अभी तो रिपीट ऑर्डर दे रही है, ऐसी सास को आकर्षित कर रही है, उसको मालूम नहीं है उस वक्त मेरी सास को मैं ऐसे ठीक करूंगी, या सास देख रही तो मेरी बहू को मैं पहले ही ऐसे पकड़ूंगी, मेरी बहू ऐसा करेगी जब, यानी वो वैसी ही बहू को आकर्षित कर रही, उसको मालूम नहीं है ये। तो लोग टीवी सीरियल देख देख कर क्या कर रहे हैं, ये सीरियल देखने की भी पात्रता चाहिए, ऐसे किसी को नहीं देखनी चाहिए। कई बीमार लोगों को देखते हैं टीवी पर, न्यूज देखते बैठे, बेड पर पड़े हैं, एक टांग लटक रही है और न्यूज देख रहे हैं। तुम्हारी हालत देखो कैसी हालत हो गई है, और बड़े सबूत क्या चाहिए तुमको, ये न्यूज ने क्या लाई है तुम्हारे जीवन में बातें। तो ये गलती ना हो इसलिए अवेयर हो जाना है, हम अपना फोकस कहाँ रखें, खुद को बार बार याद दिलाना है। पहले विरोधी विचार न करें, ये न कहें मैं इस पर्सन को देखना नहीं चाहता मेरे जीवन में। लोग विचार करते ना, इस पर्सन को मैं अपने जीवन में देखना नहीं चाहता, तो ये गलत फोकस। क्या देखना चाहते हो उस पर फोकस करो। मैं मेरे जीवन में ऐसे लोगों को देखना चाहता हूँ जो मेरी भक्ति बढ़ाएं, मेरी चेतना बढ़ाएं, जिनको देखकर मुझे लक्ष्य याद आए। आप कैसे लोग देखना चाहते हो उस पर ध्यान दो, बजाय इसके ये कहते रहो अरे ये पर्सन कब मेरे जीवन से जाएगा, अरे मैं तो देखना ही नहीं चाहता, अरे ये तो मैं करना ही नहीं चाहता। खुद को क्लियरली बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कैसे लोगों के साथ तुम अपना जीवन चाहोगे, तो बस वो कहना शुरू कर लो। तो जो नहीं चाहिए खुद ब खुद गायब होते जाएगा, या वे बदल जाएंगे या गायब हो जाएंगे, वे लोग चेंज हो जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, उनके दिव्य योजना के अनुसार सभी को बेस्ट मिले। आपकी प्रार्थना ऐसी होगी, मेरे जीवन में कैसे लोग चाहिए, आनंद बांटने वाले, प्रेम बांटने वाले, उच्च चेतना की बातें करने वाले, ऐसे लोग चाहिए। इस संदेश द्वारा हमने समझा कि जीवन में हमें जो चाहिए उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, हमें जो चाहिए उसके बारे में होश में निरंतरता से विचार रखने हैं। आइए सुने हुए इस विचार सूत्र पर मनन करते हुए खुद से सवाल पूछें कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। मनन करके खुशी की फीलिंग के साथ कुदरत को बताना है। बहुत बार इंसान अपने जीवन का कीमती समय भूतकाल के विचारों में गंवा देता है, जिसका असर उसके वर्तमान जीवन पर होता है। संदेश के अगले भाग में जागृति सवाल द्वारा हम इस समस्या का समाधान पाकर भूतकाल को भी सही तरीके से समझने वाले हैं। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को
मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या, क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सर श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हमें खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। नमस्कार, मेरा नाम रुशाली माने, मैं पुणे से आई हूँ। यहाँ पर जब आई थी तो ऐसे लगा था कि हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि योगा का कोर्स किया था, योग क्या है ये जानती थी, अहम ब्रह्मास्मि के बारे में सुना था। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि सिर्फ सुना था, पढ़ा था, लेकिन वो अनुभव क्या है ये आज यहाँ आकर पता चला। जागृति सवाल। मैं मेरे भूतकाल के बारे में बहुत सोचता हूँ और फिर उससे जल्द बाहर आना नहीं होता। इस समस्या से मुक्त होने के लिए क्या करें? मैं लिख रहा है वो कि पास्ट के बारे में बहुत सोचता हूँ, भूतकाल का बोझ। तो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत पास्ट का सोचता हूँ, उससे अलग हो ही नहीं पाता, तो क्या करूँ? तो एक है कि पास्ट का सोचना ही चाहते हो तो और पास्ट में जाओ, माँ के पेट में थे वहाँ जाओ, कहाँ से आए वहाँ जाओ, ये जन्म के पहले कहाँ थे वो सोचो, पास्ट में जाना है ना, तो वहाँ जाओ, इस संसार बनने के पहले कहाँ थे वहाँ जाओ। इसको समझना, देखो कोई चीज़ मर गई है तो आप घर पे नहीं रखते। पास्ट इज नॉट बैड, इट इज डेड। ऐसा नहीं कि बुरा है इसलिए मत देखो, तो समझो जो मुर्दा चीज़ है, जो मुर्दा है इसलिए उसको भूल जाना, इसलिए उस पर ज़्यादा काम नहीं करना है, सोचते नहीं बैठना है। पास्ट इज डेड, इट इज़ नॉट बैड। मुर्दे को आप घर से जल्दी निकालते हो, क्यों, मर गया ना, अभी उसको निकालना है, तो क्या करते, कफन पहनाते। तो पास्ट को कफन क्यों पहनाना है, क्योंकि अभी वो किसी काम का नहीं। हाँ, तलाशी ले लो, मुर्दे की तलाशी ले लो, पास्ट से कुछ काम की चीज़ें निकले, कुछ लेसन सीखे तो वो सीख लो और फिर उसको दफन कर दो। और जाना चाहते ही हो तो बताया, फिर और गहराई में जाओ, पास्ट में लाइफ बिफोर लाइफ क्या थी वो समझो, संसार बनने के पहले क्या था उस पर मनन करो, इससे कुछ फायदा हो सकता है। इस अनमोल मार्गदर्शन द्वारा हमने समझा कि दरअसल भूतकाल का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो ना के बराबर है, इसलिए हमें भूतकाल के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। भूतकाल में हुई घटनाओं के द्वारा हमें हमारे सही सबक सीखने हैं और उसका इस्तेमाल आगे के जीवन में करना है। साथ ही हमने जाना कि सत्य के दृष्टिकोण से अगर भूतकाल के बारे में सोचना है तो हमें हमारे जन्म से पहले की जो पूर्व अवस्था है उसके बारे में विचार करना है, ताकि जीवन के सत्य को हम समझ पाएं।